नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, नेशनल पार्क की फिर एमपी की जो सीरीज है एमसीक्यू वाली, टॉपिक वही है नेशनल पार्क। तीसरा लेक्चर है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे नेशनल पार्क के। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी उसके। दूसरी चीज, शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से जितना जल्दी कर सकते हैं शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे लोगों के साथ क्वेश्चन कर पाए। चलिए, हमने कल 20 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, 10-10 क्वेश्चन करके कर रहे हैं। आज है 21वें क्वेश्चन की बारी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का बच्चों कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस जगह सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका है? आपके ऑप्शन है मंडला, होशंगाबाद, टीकमगढ़ या शहडोल। चलिए जल्दी आंसर दीजिए इसका कमेंट में फटाक से, जितना जल्दी हो सकता है दीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर है बच्चों होशंगाबाद। जो आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो आपका कहां पे है? वो आपका बेसिकली होशंगाबाद जिले में है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या जानकारी है। भैया, इसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया, 1981 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, होशंगाबाद में है। कौन सी नदी? नर्मदा सोन घाटी योजना, है ना, नर्मदा सोन घाटी आपकी नदी यहाँ पे लग जाएंगी। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। यहां पर कौन सी चोटी है सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की? धूपगढ़। क्वेश्चन हमेशा आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कितना है उसका? 1350। कहां पर? होशंगाबाद, पचमढ़ी बेसिकली, है ना। ऐसे ही यहां पर आपका नेशनल पार्क में ये जगह आ जाती है, जैसे पचमढ़ी हो गया, है ना, चूरमा हो गया, मड़ई हो गया, ये आपकी काफी ऐसी जगह है जो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा 2010 में टी ऑफ टी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड मिला था। क्वेश्चन आ सकता है कि 2010 में सतपुड़ा को कौन सा अवार्ड मिला, या बोल देगा टी ऑफ टी अवार्ड 2010 का किसे दिया गया? आपका आंसर है सतपुड़ा नेशनल पार्क, है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का कौन सा भाग सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? विच साइड ऑफ नर्मदा रिवर इज सतपुड़ा नेशनल पार्क? ऑप्शन में पूर्व, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। नर्मदा नदी का कौन सा भाग आपको पता है ना, पूर्व पश्चिम कहां पे? ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर, फटाक से कमेंट करें। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर है वो है सी, साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण वाला जो भाग है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये एक्चुअली में नर्मदा नहीं कह सकते हम, नर्मदा की सहायक नदियां जो है वो यहां पे बहती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां देख सकते हैं हम? दो नदी है, तवा और बैनवा, ये आपकी सतपुड़ा को बनाती है बेसिकली, लाइफ लाइन कह सकते हो। इसके अलावा सतपुड़ा में आपकी पचमढ़ी अभ्यारण भी है और बोरी अभ्यारण भी यहीं पे आ जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो तवा है और आपकी देनवा है, ये किसकी सहायक नदियां हैं बेसिकली? तवा और देनवा नर्मदा की सहायक नदियां हैं, है ना। ये सब कहां से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। ओरिजिन कहां से इनका, उद्गम कहां से है? सतपुड़ा से ही इनका उद्गम, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि तवा और देनवा का उद्गम कहां से, तो सतपुड़ा से उद्गम है। किसकी सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, याद तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। चलिए, एरिया पूछ रहा है आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क का। आपके ऑप्शन में 528.729, 1339.26, 784.94 या 849.924। फटाक से कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, इसका सही एरिया जो है वो है 528.729 स्क्वायर किलोमीटर।
इसके बारे में बता देता हूं मैं, होशंगाबाद में है ये, तो आपको पता ही है सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब आप देख सकते हो ये इतना बड़ा इसका मैप है, इसके अंतर्गत बाकी छोटी छोटी चीजें भी देखने को मिलेंगी है ना, अलग अलग टाइप की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा होगा है ना, जैसे ये आपका चूरमा रेंज, बोरी रेंज है ना, ये बफर जोन कहलाते हैं, सुहागपुर एरिया है ना, बागरा रेंज हो गया, ये सब इनसे मिलकर बनाया गया है पूरा का पूरा एरिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें ज्यादा डिटेल तो है नहीं, ये एरिया आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन बाइसन फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क इज नोन एज व्हाट नेम? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला भारतीय बाइसन जो है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बैल, मऊआ, दलदल बाइसन या गौर। ये आपने पढ़ा होगा, एमबीपीएससी में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपका एएनएम की जो ट्रेनिंग वाला होता है, नर्स वाला जो एंट्रेंस होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फटाक से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर है बच्चों गौर। अभी गौर होता क्या है, कभी तो सुना नहीं होगा गौर सर आपने है, हमने भी नहीं सुना। ये देखो जंगली भैंसा बेसिकली जो होता है ना, ये गौर कहलाता है, इसका नाम है गौर है ना। इसके दूसरे नाम भी पढ़ लो अच्छे से, क्या क्या है, गायल, गावरी, गाय, बोदा या गावली, ये इसके दूसरे नाम है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या इंडियन जाइंट स्क्वायरल भारतीय जाइंट यानी काफी बड़ी आपकी गिलहरी, ये रेयर है पूरे इंडिया में है ना, इसकी जो प्रजाति है बहुत ही रेयर है ये, लेकिन आपकी पाई जाती है कहां पर? ये पाई जाती है सतपुड़ा नेशनल पार्क में, बहुत ही रेयर देखने को मिलेगी। ये वाली क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन जाइंट स्क्वायरल कहां से या किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या? आपका आंसर होगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। दिमाग में बैठा लो, इसका नाम और भी नाम है, गौर की जगह गायली, गावली, काऊ, बोदा, गावली, इस तरह से दे दे तो पता होना चाहिए। ये इंडियन बाइसन कहलाती है ना, इसे कहते हैं इंडियन बाइसन, BISON। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव संचालित करने की अनुमति है, मतलब आप अपनी कार या बस बस भी ले जा सकते हो, वो कौन सा नेशनल पार्क है? ऑप्शन में है कान्हा, सतपुड़ा, माधव या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए जल्दी बताइए और रुपए कमाइए है ना। रुपए कमाओगे कैसे, जब जॉब लग जाएगी तो रुपए तो कमाओगे है ना, इसलिए एम लेके चलो कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छी नौकरी तो अच्छी छोकरी है ना, अच्छी छोकरी तो बाकी चीज तो पता ही है आपको है ना। तो जॉब के लिए करना पड़ेगा मेहनत अच्छे से है ना, बहुत सारी जुड़ी हुई है चीजें एक दूसरे से कड़ी। हाँ, अब इसका सही आंसर है ना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है ना, सही आंसर जो है इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर आप कार वार ले जाके जीप वीप ले जा सकते हैं है ना। आपको क्वेश्चन आ जाए कि देनवा किसकी लाइफलाइन है, जीवन रेखा किसकी है, ये बोल देगा सतपुड़ा नेशनल पार्क की जीवन रेखा का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा देनवा। सतपुड़ा नेशनल पार्क की जीवन रेखा जो है वो है देनवा नदी, दिमाग में बैठा लीजिए। तवा डैम किस पर है, तवा नदी पर है, ये भी आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क में बहती है, आप देख सकते हैं ये देनवा नदी है एक्चुअली में पूरी की पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा नेशनल पार्क की मध्य प्रदेश में नोन एज वंडरफुल ट्रिटी ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क में किस प्रकार के जंगलों की अद्भुत संधि को देखा जाता है, कौन से जंगल यहां पर बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे, आपको उसके आंसर बताना है। ऑप्शन में है साल और टीक का है, साल और बांस का है, सागौन और बांस का है, या साल और महुआ का है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाक से। बिल्कुल, इसका सही आंसर है साल और टीक, सागौन और साल का आपको बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलेगा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क में है ना। इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं,
140 किलोमीटर एरिया में लगभग फैला हुआ है पूरा का पूरा ये, है ना। सात प्रकार के फॉरेस्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क में, सात प्रकार के, एक नहीं है, सात प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपका ह्यूमिड टीक फॉरेस्ट है, ह्यूमिड टीक फॉरेस्ट पहला टाइप है ना, ह्यूमिड टीक फॉरेस्ट पहला टाइप है हमारा। ऐसे ही आपका इंडियन स्कोरिंग टीक फॉरेस्ट, इंडियन स्कोरिंग टीक फॉरेस्ट एक ये है। ऐसे ही आपका इंडियन ह्यूमिड मिक्स टीक फॉरेस्ट, ऐसे ही आपका मिक्स टीक फॉरेस्ट है। ऐसे ही आपका यहां पर ट्रॉपिकल ड्राई टीक, ट्रॉपिकल ड्राई टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक है एक आपका, है ना। ऐसे ही आपका और भी है, और कौन सा है आपका, पेनिनसुलर ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट है, ड्राई पेनिनसुलर, ड्राई पेनिनसुलर, मिक्स डेडिटियस फॉरेस्ट, मिक्स डेडिटियस फॉरेस्ट, है ना। बट इतना नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा टोटल कितना है नंबर, सात है आपका नंबर, है ना। चलो ज्यादा नहीं देखना अपने को। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी मिलानी भैया, है ना। एरिया दे रखा है बच्चों, नेशनल पार्क दे रखा है, किसका एरिया कितना है आपके ऑप्शन नीचे है, है ना। चलो देखो जल्दी से, हो सकता है आपको एक दो ऑप्शन के थ्रू बन जाए। सबसे बड़ा तो पता है ना बच्चों क्या है, काना का है, तो काना का तो हो जाएगा भाई 940, है ना। तो पहले का तो ए होगा, तो पहले का ए होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सॉरी बी होगा पहले का, बी होगा पहले का, है ना। पहले का बी है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तुरंत हो गया क्वेश्चन ये वाला, देख लो इसके बारे में। और ये देखो पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा अच्छे से, अगर दिख रहा है अच्छे से क्या एरिया है, मैं लिख के एक बार बोल के बता देता हूं। बांधवगढ़ का, बांधवगढ़ 1982 में बनाया गया था, इसका एरिया है 446 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 446 किलोमीटर स्क्वायर है यहां पर। इसके अलावा फिर काना आ जाएगा 1955 में, 940 किलोमीटर, है ना। कुन्नू जो अभी बना है 2018 में, 748.76, है ना। ऐसे ही आपका माधव 1959 में 375.12 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। ऐसे ही मंडला प्लांट फॉसिल जो है ये 1983 में 0.027 केवल, है ना, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर का है ये। इसी प्रकार आपका पन्ना, पन्ना 1981 में बना, 542.67 है ये। ऐसे ही पेंच का जो है 1977 में बना है, 758 है, है ना। और दूसरी चीज जंगल बुक, है ना, मोगली, है ना, जंगल जंगल फूल खिला है, है ना, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। तो मोगली की जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, कौन से नेशनल पार्क पे, पेंच नेशनल पार्क पे आधारित है। पेंच नेशनल पार्क में बुक किसने लिखी थी, बुक लिखने वाले का नाम है रूडी यार्ड किपलिंग, है ना, इन्होंने लिखी थी जंगल बुक, है ना, जो कि आपकी आधारित है पेंच नेशनल पार्क पर। थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क 1981 में 466.07 है इसका एरिया। ऐसे ही आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क का 1981 में 524 एरिया है। वन बिहार का जो है वो है 4.448 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है आपका। तो ये एरिया याद रखिएगा इनकेस कभी भी जोड़ी मिलाओ में क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है जोड़ी मिलाओ, अब तो कर लोगे फटाक से। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वन बिहार का भी मैंने बताया था, है ना, वन बिहार का भी बताया था, क्या है वन बिहार का, वन बिहार का है 4.445, है ना। तो एक का हो जाएगा सी, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके, है ना। बी डी बचा, और इसका देखो यहां पर ही बचा है, इसका देखो बस, संजय गांधी नेशनल पार्क अभी बताया, संजय गांधी का ये देखिए, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, है ना, ये संजय का 466.7, है ना, 466.7, ठीक है। तो संजय का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, लगभग ये दे रखा है 4.446,
ये इसका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, पहले का सी, दूसरे का डी, दूसरे का डी आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी और मध्य प्रदेश कंट्री फर्स्ट फॉक्स कंजर्वेशन सेंटर एस्टेब्लिश इन 2017। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र बनाया गया। लोमड़ी संरक्षण केंद्र भैया, है ना, जहां पर लोमड़ी का प्रजनन करवाया जा सके या फिर इस तरह से वो बनाया गया। आपके ऑप्शन है राला मंडल, सरदारपुर, बोरी और पानापथा। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की पूरी संभावना है। इसका सही आंसर है राला मंडल, इसका सही आंसर है राला मंडल, है ना, रानू मंडल नहीं भैया, राला मंडल, नहीं तो बोलो रानू मंडल, है वो गाना है ना, तेरी मेरी कहानी। हाँ, अब इसके बारे में बता देता हूं मैं, राला मंडल जो है 1989 में इंदौर में स्टैब्लिश किया गया, है ना, इंदौर में स्टैब्लिश किया गया था। ये एरिया देख सकते हो, 2340 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, है ना। 2017 में फॉक्स कंजर्वेशन लोमड़ी संरक्षण केंद्र बनाया गया। इसके अलावा दूसरा बटरफ्लाई पार्क है, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा पहला मध्य प्रदेश का बटरफ्लाई पार्क कहां पर है, बटरफ्लाई पार्क कहां पर है, कमेंट में आंसर जरूर दें इसका, है ना, सभी लोग बताएं, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपका यहां पर बांबू प्रोडक्शन का भी प्लांट लगाया गया, प्रोजेक्ट लगाया गया है बांबू का। इसके अलावा होलकर का शिकार गह कहलाता था, ये होलकर का शिकार ग्रह कहलाता था, यहां पर होलकर के जो राजा थे वो यहां पर शिकार करने आते थे, शिकार के शौकीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण किस वर्ष में स्थापित किया गया। पचमढ़ी सेंचुरी जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश की गई थी, आपके ऑप्शन नहीं है, चलो जल्दी से आंसर दो फटाक से। वेरी गुड, ऑप्शन में 74 है, 79 है, 1977 है और 83 है। चलिए जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल इसका सही आंसर है आपका क्या, इसका सही आंसर है 77 में स्टैब्लिश किया गया था पचमढ़ी अभ्यारण जो है आपका। अब इसके बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूं भाई, कहां पर है, होशंगाबाद में है, हाँ ना, पचमढ़ी 77 में स्टैब्लिश किया गया। एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 49.63 ये इसका एरिया है, है ना। इसके अलावा यूनेस्को ने 2009 में इसे क्या बनाया, घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 2009 में यूनेस्को द्वारा। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपके तीन आ जाएंगे, कौन कौन सा, बोरी भी आ जाएगा, पचमढ़ी भी आ जाएगा और सतपुड़ा नेशनल पार्क का एरिया भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो है हमारा पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब आपको पता होगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एनवायरमेंट आप पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में समझ में आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा लास्ट, होपफुली आप लोग को मजा आया हो आज के वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का वीडियो बस यहीं तक, नई क्लास में मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं नई क्लास में।